जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। आज वीडियो ही नहीं दिख रही। हाँ जी, वीडियो तो दिख नहीं रही मेरी। आज आपकी वीडियो नहीं दिख रही ना। नहीं होगी सर, क्या करूं, आज तो दिख नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी फोटो को, अपने मोबाइल को जरा ये अपनी फोटो नहीं दिखती ना, ये कुछ और आ गया इसमें, कोई ऐड आ गई। ऐड नहीं है इसमें। हाँ आप सेकंड स्लाइड देखिए जरा। कहां से मूव, कहां से करूं उसको? जो आपका मोबाइल है ना, अपनी फोटो को जरा आप पुश करें। अपनी फोटो नहीं दिख रही ना। अरे जो ये स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, इसको आप पुश करो, आप सेकंड स्लाइड पे आ जाओगे। हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है। आप ठीक है? मैंने कहा कि थोड़ा प्रभु सिमरन ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक सभी जुड़ जाएंगे। मैं थोड़ी लाइट और ऑन कर लेता हूँ। लाइट ऑन जी। शिव शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। अपना वीडियो सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑन रखें, है ना? ऑडियो की जरूरत नहीं, वीडियो पर ऑन रखें ताकि पता चल जाता है। बी आर देव जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बीना जालान जी, जय श्री कृष्णा। दक्षा दात्री जी, जय श्री कृष्णा। दीप्ति जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए हम बात शुरू करें, आज के भगवान का स्मरण जी शुरू कर लेते हैं। ओ
नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च श्री कृष्ण जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कि हमको आज का कथा गान करने का, श्रवण करने का, मनन करने का, अर्चन करने का, अर्पण करने के लिए हमको अपनी महती कृपा दृष्टि प्रदान करें, हमको आज्ञा दें। मित्रों, आज पंचम स्कंध की कथा है, उसकी बातें हम सारांश रूप में जानेंगे। जो चतुर्थ अध्याय तक की बात थी, कल तक की जो बात थी, उसका एक सार जो निकलता था, सार ये है कि यदि पेड़ को, वृक्ष को जड़ से सींच दिया जाए, जड़ में उसको जल दे दिया जाए, उचित खाद, क्योंकि पेड़ का जो भोज्य पदार्थ है खाद ही है, उसको दे दिया जाए तो पूरे पेड़ की, पूरे वृक्ष की सेवा हो जाती है। अर्थात उसी जड़ से ही तना हृष्ट पुष्ट भी बनता है, ग्रो भी करता है, उसके पत्तियों को भी समृद्धि मिलती है, सुख मिलता है, और उसकी शाखाएं भी फैलती हैं, और अल्टीमेटली वही वृक्ष जो है मानव मात्र के लिए, मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जो भी जीव जंतु इस दुनिया में है सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वही ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, और ऑक्सीजन इतनी जरूरी है। कहने सुनने के लिए तो सबने सुना था, लेकिन इस कोरोना काल में विशेष रूप से हमको उसका पता चला कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो वृक्ष को किस तरह से सींचना चाहिए, उसकी जड़ से सींचना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, ये एक चतुर्थ अध्याय से सीख थी। तो इस सीख को हम यथासंभव जैसे भी अपना सके कोशिश तो करें। जब कोशिश करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहा भी है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, वो अल्टीमेटली अंततोगत्वा अपने गोल को अटेन कर ही लेते। अब पंचम अध्याय शुरुआत ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय से की प्रार्थना से, इसी श्लोक से, इसी शब्द से शुरू होता है। उन वृक्षों के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं पंचम अध्याय स्कंद के कथा के शुरुआत से ही, शुरुआत ही वहीं से है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियों में आसक्त है, वह भक्ति के लिए यदि आसक्त है, वशीभूत है, तब उस स्टेज में भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए वनों में कितना ही विचरण करते रहे, कहीं भी विचरण करते रहे, उसको जन्म और मरण का भय सताता रहता है, उस बंधन से वो छूट नहीं पाता, क्योंकि उसकी आसक्ति है इंद्रियों में। और ये छह इंद्रियां उसके छह विशिष्ट प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शत्रु के रूप में उसके साथ, उसकी परछाई के साथ, उसके शरीर के साथ, उसके मन के साथ, विचारों के साथ, कर्मों के साथ भ्रमित होते रहते हैं, उसको भ्रमित करते रहते हैं, और उसका विचरण करते रहते हैं, उसके साथ घूमते ही रहते हैं, और ये कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए फिर ब्रह्मा जी कहते हैं तो क्या करना चाहिए, जब उनसे पूछा गया नारद मुनि के द्वारा, तब वो कहते हैं कि अपने इंद्रियों को दूसरों के वशीभूत मत करो, कंट्रोल करो, उस पे जीतो, जितेंद्रिय बनने की कोशिश तो करो। कोशिश धीरे धीरे करेंगे तो छह की छह इंद्रियां बस में हो जाएंगी, और जब बस में हो जाएंगी, उनको अपने आप में केंद्रित आप कर लोगे, तो आपकी आत्मा में भगवान अनायास ही अपने आप ही विचरण कर देंगे, आपका कार्य भी वैसे ही ला देंगे, आपको मार्ग भी वैसे दिखा देंगे, और जब भगवान
स्वयं विचरण करेंगे, उनका आशीर्वाद आपके रूप में साक्षात मिलने लगेगा, तब वो चाहे गृहस्थाश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो या संन्यास में हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका क्या बिगाड़ हो सकता है, क्या उसका कमी हो सकती है, क्या उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ये प्रश्न लगा के ब्रह्मा जी ने छोड़ दिए। फिर इसमें सुखदेव जी का, प्रियव्रत जी का चरित्र का वर्णन है। प्रियव्रत जी का चरित्र के वर्णन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूर्व चित्त से, जो दिल में बिठा दी बात है, पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह तो नेगेटिव है, लेकिन दिल में अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी वृत्ति हो सकती है, स्थित हो सकती है, उससे यदि हम बात करते हैं किसी से, तो हमको वही दिखता है जो हमारे मन में दिखा हुआ है। दूसरे के बारे में वही बात समझ में आती है, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है ना। तो खैर वो मन में उनकी बात बैठी थी, तब उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि हे मुनिवर आप कौन हैं। उनके मन में तो बात फिक्स थी कि वही है। और फिर आगे कहते हैं, इस पर्वत पर, इस नारायण पर्वत पर आप हे मुनि श्रेष्ठ आप क्या करना चाहते हैं, कहीं आप क्या करना चाहते हैं, फिर प्रश्न किया। और साथ में यह भी तीसरा प्रश्न दाग दिया उन्होंने कर दिया कि इस पर्वत पर कहीं आप परम पुरुष के रूप में श्रीमान नारायण की कोई माया तो नहीं, कोई माया जाल तो हम नहीं फैला रहे। और तब नारायण ने उनको उत्तर दिया कि मृगवत, मृगवत अर्थात मृग की तरह बने हुए, मृग मरीचिका की तरह सोचे हुए, देखते हुए आप भ्रमित न हो, बल्कि प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति में रमण हो जाओ। और जो प्रभु की भक्ति आप करोगे, वो मृग मरीचिका से आपका पल्ला छूट जाएगा, भ्रमित होना छूट जाएगा, क्योंकि प्रभु की जो भक्ति है वो माया से अधिक हितकारी है, वो माया से अधिक हितकारी है, विचरित करने वाले से अधिक हितकारी है। इसलिए मृग की तरह मत भटको, बल्कि प्रभु की ध्यान में ही, उस भक्ति में ही चित्त को एकाग्र करो, क्योंकि प्रभु के स्मरण करने से, उनके ध्यान में लगने से, उनकी भक्ति करने से, इंद्रियों की आसक्ति को दूर करने से प्रभु प्राप्ति की मार्ग बाधा दूर हो जाती है, बजाय बल्कि वह आपके लिए सहायक भी हो जाती है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं प्रियव्रत चरित्र में कि जो आग्नेय राजा थे, उनके पुत्र की, उनका पुत्र का नाम नाभि था, और नाभि की कोई संतान नहीं थी, नाभि की संतान नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया राजा अग्निंद्र ने, कि अपनी भार्या, अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ, मेरु देवी को साथ लेकर उत्तरा की कामना से, पुत्री की कामना से एकाग्रता पूर्वक ध्यान लगाकर भक्ति करके भगवान के भजन किए, और उसके बाद उनको संतान की उत्तरा के रूप में प्राप्ति हुई। फिर ऋषभदेव जी महाराज का शासन आया, उन ऋषभदेव जी महाराज के शासन के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, पांडु के पुत्रों, राजा नाभि के विषय में एक लोकोक्ति है, एक प्रसिद्धि है, एक कथा है, दंत कथा है, जो भी है, कि नाभि के उदार कर्म से और नाभि के उदार कर्मों का आचरण इस तरह का था कि दूसरे के द्वारा उतनी उदारता का आचरण करना, व्यवहार करना थोड़ा कठिन था। इसलिए उन्होंने प्रश्न लगाया कि राजा नाभि के बराबर, उनके स्टैंडर्ड का, उसके मुकाबले का जो उदारतापूर्ण कर्म है, ऐसा आचरण कौन पुरुष कर सकता है। तब और जिसके शुद्ध कर्मों से, ऐसे शुद्ध कर्म है, उनके शुद्ध कर्मों से प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर श्रीहरि ने, भगवान ने साक्षात रूप में ऋषभ देव नाम के पुत्र को उनको वरण करने के लिए दिया, अर्थात उनको ऋषभ नाम के पुत्र की प्राप्ति करा दी। फिर उसके बाद ऋषभ देव जी का
शासन में ऋषभ देव जी कहते हैं आगे, हे पुत्रो, पुत्रो अर्थात सारी प्रजा को पुत्र ही राजा सामान्यतः कहा करते थे, उनके पुत्र स्वरूप ही थे। तो वो ऋषभ देव जी कहते हैं, हे पुत्रो, अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए इस मृत्युलोक में, वो कहते हैं कि इस मृत्युलोक में यह शरीर, यह मानव मात्र का शरीर, मनुष्य का शरीर दुखमय दुखमयी है, विषयों के विभिन्न विषयों के भोगों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। यह केवल दुख तो इसमें है, सुख भी है, तो केवल दुख और भोगों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें इस शरीर से और भी कुछ करने की आवश्यकता है, यह शरीर कुछ और भी करने के लिए भी बना हुआ है। तब क्या और करना चाहिए, इस शरीर से यथासंभव दिव्य रूपी तप करना चाहिए। शुरुआत तो करनी चाहिए, पूर्ण भक्ति कितनी भी हम कर पाए, शुरुआत तो करें, कुछ तो अंश उसका फल मिलेगा। दिव्य रूपी तप करना चाहिए, और जिससे हमारा अपना स्वयं का सबसे पहले अपना तो भला हो, अतः अर्थात अंतःकरण शुद्ध तो हो, क्योंकि इसी शुद्धि से, इसी तप से अनंत ब्रह्मांड की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्मांड का दर्शन भी होगा, और ब्रह्मानंद महाराज की जो स्वयं भगवान है, विष्णु स्वरूप है, उनकी प्राप्ति भी होगी। फिर उन्हीं भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए, गुणों से मतलब है सद्गुण, क्योंकि भगवान के सद्गुण ही होंगे, दुर्गुण तो इंसान के होंगे, इन्हीं भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वह जो भी वाक्य है, शब्द है, वो वेदोमय है, वेद स्वरूप है, इसलिए सात समुद्रों वाली पृथ्वी के समीप, पृथ्वी में के किनारे, पृथ्वी में चारों तरफ तीन चौथाई जल है, तो उन तीन चौथाई जल में सात बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियां नाले तो बहुत से हैं, उन सात समुद्रों वाली पृथ्वी के समीप कहीं द्वीप हैं, कहीं बड़े द्वीप हैं, कहीं छोटे द्वीप हैं, और उन द्वीपों में भी, उस धरती में भी, इन समुद्र के चारों तरफ जो भारतवर्ष है, भारत भूमि है, सबसे अधिक सारे द्वीपों से, सारी जगह से सबसे अधिक पुण्य की भूमि है, और इसी भूमि पर सबसे अधिक सुकर्म होते हैं, और इसीलिए इसी भूमि पर, इसी भारत भूमि पर श्रीहरि मंगल रूपी अवतार लेकर विभिन्न चरित्रों का गान भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, और अपने चरित्रों को दिखाते भी हैं। फिर भरत जी महाराज का चरित्र का वर्णन, भरत जी महाराज की कथा थोड़ी सी है। तब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक, भगवान सूर्य की कृपा सबके लिए होती है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए, कोई रिजर्व नहीं है किसी के लिए, है ना, और उनके जो प्रकाश है, जो तेजोमय शक्ति है, जो ताप है सूर्यदेव महाराज का, वो सबके लिए है, वो प्रकृति में सबके लिए मिलता है, उसी ताप से कोई आज के समय में ऊर्जा बना लेता है, प्रकृति के फल फूल पत्तों के लिए भी प्रकाश आवश्यक है। हम छाया में, अंधेरे में, अंदर में कोई पौधा भी रख देते हैं तो मुरझा जाता है, सूख जाता है, भले ही गर्मी कितनी पड़ रही हो, उसकी आवश्यकता होती है। सर्दी के दिनों में भी ठंड से बचाने के लिए, जब सूर्य का प्रकाश कुछ कम हो जाता है जिस क्षेत्र में, तब क्या किया जाता है, और पेड़ों को, पौधों को, पत्तियों को बचाया जाता है ठंड से, अर्थात सूर्य की ऊष्मा तब कम हो रही हो, लेकिन सूर्य महाराज का प्रकाश, प्रताप, ताप, ऊष्मा, ऊर्जा सबके लिए है, वह ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि निष्कामता जिसमें भरी हुई, वो सबको देते हैं, वही सूर्य की वजह से बरसात भी होती है, उसी की वजह से गर्मी भी आती है, सर्दी का प्रकोप भी दूर होता है, रोग व्याधियां भी दूर होती हैं, और संकल्प तो सूर्य महाराज की प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए करो, निष्कामता तो लो, सूर्य महाराज का जो उद्बोधन था उनको नाम लिया गया निष्कामता के लिए गया, और दूसरा सूर्य महाराज क्या है, उनका उदय होने का तथा अस्त होने का समय निश्चित है, ज्योतिष की भाषा अगर हम कहते हैं कि सबसे फिक्स टाइम हमने निकालना है, देखना है, तो केवल सूर्य नामक ग्रह को ही हम विचार करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन
या एक मिनट अधिक समय लेते हैं या एक मिनट कम लेते हैं, लेकिन समय उनका फिक्स है। आज 5:38 पर यदि सूर्योदय हुआ तो कल को या तो 5:37 पर होगा या 5:39 पर होगा। ऐसी सूर्यास्त भी यही, एक ही डिग्री डेली चलते, 30 दिन में ही 30 अंश पूरा कर लेते हैं। अर्थात उनका सूर्य का जो संकल्प है, सूर्यदेव जी का जो विचार है, गणितीय दृष्टि से आप समय देखने के लिए, आकलन के लिए बिल्कुल नियत है। ये जो चाहे डिजिटल क्लॉक हो, मैनुअल क्लॉक हो, या ऑटोमेटिक क्लॉक हो, मोबाइल की हो या कंप्यूटर की हो, इसमें कहीं कमी आ सकती है। इसको करंट नहीं मिला, बैटरी नहीं मिली तो बदल सकते, लेकिन सूर्यदेव का जो समय है बिल्कुल निश्चित है। तो सूर्यदेव के उदय और अस्त की तरह की अगर हम बात करें, उसके द्वारा देने वाले प्रकाश की बात करें, वैसा कर्म करें और वैसे ही फल भी सबके लिए दें। और फिर अपने कर्मों में अंतर्यामी रूप से दिखावा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप भगवान की तरफ प्रेरित हो जाएं, डायरेक्ट उनकी तरफ पूर्ण समर्पण भाव से जो अपने चित्त को, मन को प्रवेश करे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की मूर्ति के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए, मंदिर के लिए, अपने चित्त को जो एकाग्र कर लेगा, वह किसी भी तरह के विषय, भोग रूप विषय से मतलब भोग रूपी विषय, उनमें एंट्री होने से अपने आप को बचा भी लेगा, इसलिए आसक्ति दूर कर लेगा। और जो आसक्ति को दूर कर लेगा उसमें बुद्धि विवेक या बुद्धि प्रवर्तक के रूप में को कार्य करेगा, उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस या लेवल और अधिक तेज हो जाएगी, वो तेजोमय जो शक्ति उसको मिलेगी, उससे अल्टीमेटली उसका भी उद्धार, समाज का भी उद्धार और देश का भी उद्धार होगा। भरत चरित्र में आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह बात पक्की है, निश्चय है, फिक्स है, निश्चित है कि शांत स्वभाव और दीन दुखियों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन, उनके जो भी शरणागत गया हुआ हो, उनसे जिस भी तरह की प्रार्थना की गई हो, उनसे जिस भी तरह की मदद की जरूरत हो, वह अपना सर्वस्व निछावर करके भी उसकी रक्षा करने के लिए आतुर रहते हैं, उसको यथासंभव बचाने का कोशिश करते हैं, जिस चीज की जरूरत हो उसको उसमें करने के लिए मदद करते हैं, यह भरत जी महाराज के द्वारा दी गई सीख है। और उनमें स्वार्थ की कोई भावना नहीं रहती, अर्थात स्वार्थ की आसक्ति से वह दूर ही रहती। फिर भरत चरित्र में एक वर्णन और है कि मूर्ति में से प्रकट होकर माता भद्रकाली ने, मूर्ति में से स्वयं प्रकट होकर माता भद्रकाली ने अभिमंत्रित खड्ग से, जो उनका कृपाण था, उससे कष्ट देने वाले, दुख देने वाले का संहार करने के लिए वो निकली थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भरत महाराज तो जड़ हैं, अर्थात भरत महाराज में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी विद्या नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो खड्ग से, अभिमंत्रित खड्ग से भरत जी महाराज को केवल छुया, छूने के बाद उनको बचाया, अर्थात उनको जो ब्रेन पावर थी, उस ब्रेन पावर को उन्होंने जागृत कर दिया। भद्रकाली, माता भद्रकाली का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, कभी मौका लगता हो तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास ही है, उसके दर्शन करने से वहाँ वास्तव में अलौकिकता का दर्शन होता है। मुझे अभी 5 सितंबर को मौका मिला था जाने का, तो वो भद्रकाली इस तरह की भद्रकाली, अर्थात जो जड़ भी है, मूर्ख भी है, उस दुष्टों का तो संहार खड्ग से माता भद्रकाली करती ही है, जो अगर माता की कृपा होती है, वो देखते हैं कि ये दीन है, दुखी है, परेशान है, विद्या बुद्धि की कमी है, एक और कोई भी कमी है, वो अपने खड्ग को दिखा देने मात्र से ही, छू देने मात्र से ही, या हमारे द्वारा उसको छू देने मात्र से ही, नमन करने से ही उसको उद्धार कर दे। और इसी तरह जो महापुरुषों के प्रति जो भी अत्याचार करता है, जो भी संतों को कष्ट देता है,
ऐसा अपराध जो जो जब करता है, जब जब वो आ पड़ता है, तब तब माता भद्रकाली उसका संहार करती है और उसको बचा लेती है। वो सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है और अपने खड्ग से, छप्पर से उसको बचा लेती है, उसको उसका उद्धार कर। फिर इसी कड़ी में भरत जी महाराज और राजा रघुगण का मुलाकात हुई, भेंट हुई। तब उस समय का दृश्य क्या था? उस समय का दृश्य था स्थूलता बड़ा, कृशता कालापन, गंदापन, अच्छा नहीं, आधि व्याधि, दुख और कष्ट, बीमारियां, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान और सुख, इतनी सारी चीजों, इतने सारे वस्तु, यह सब चीजें जो देह का अभिमान है, अपने शरीर का घमंड है, वह उसमें भरे रहते हैं और धर्म से, धार्मिकता से, धार्मिक कार्यों से, धार्मिक बातों से उसको प्रिवेंट करते हैं, दूर रखते हैं। और भरत जी को जब ज्ञान हुआ तब वो रघुगण को कहते हैं कि मुझ में ये सारी चीजें ना हो, और ना होने के लिए वो माता भद्रकाली ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, ये सारे राग द्वेष स्थूलता कसी बुढ़ापा इच्छा सारी चीजें दूर हो गई। और तब रघुगण उनकी बातें सुनकर प्रसन्न हुए। फिर रघुगण को भरत जी ने एक उपदेश दिया इसी क्रम में कि यह जो परमात्मा है, परमपिता है, यह क्षेत्रज्ञ नहीं है, केवल एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही नहीं है। जब कोई भी हम कार्य करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो वास्तु के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार उस जगह का वास्तु पूजन भी किया जाता है, और वास्तु पूजन में क्षेत्रपाल की पूजा जरूर की जाती। तब भरत जी कहते हैं क्षेत्रपाल, क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। क्षेत्रपाल क्या है? पूरे उस चारों तरफ से उस क्षेत्र की, चाहे वो प्लॉट हो, गांव हो, शहर हो, भवन हो, या कमरा ही क्यों ना हो, उसके चारों तरफ क्षेत्रपाल की पूजा करने से क्या होता है? उसकी जगह की, कमरे की, स्थान की रक्षा होती है। रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल जी की पूजा की जाती है। तो वह पूरा जो विश्व है भगवान के रूप में, भगवान के क्षेत्रपाल के रूप में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं पर भी आप देखें वहीं पर क्षेत्रपाल हैं, भगवत की कृपा लिए हुए, भगवान का आशीर्वाद लिए हुए। जरूरत क्या है? उनका मनन करने की, उनका स्मरण करने की। और तब कहा है कि जो पूरे विश्व का आदि है, अंत है, यह सब कुछ उसी में समाहित है, उसी से परिपूर्ण क्षेत्रपाल है, परमात्मा है, कि परमात्मा का स्वरूप है क्षेत्रपाल है, तो परमात्मा में तो सब कुछ है और क्षेत्रपाल उन्हीं के स्वरूप है, तो उनपे भी सब कुछ है। या परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, दोनों तरह से स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशमान है, प्रकाश लेने वाले, देने वाले, और ये अजन्मा है, इन पर यह आशीर्वाद है कि बार बार यह जन्म नहीं लेते। फिर ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मादि अन्य बातें, उनमें भी यह विचरण करते हैं, उनका भी ध्यान रखने वाले, और अपने अधीन, उनके अधीन या उनके आसपास जो भी मोह माया आती रहती उनको भी वह कंट्रोल करते हैं, और जीव जंतुओं को भी प्रेरित करने वाले हैं, एग्जाम्पल देके प्रेरित करने वाले हैं, चाहे वो मीरा की भक्ति हो, अर्जुन की शक्ति हो, या और किसी तरह की बात हो, वो उनको प्रेरित करते हैं। और सारे भूतों का, भूतों से मतलब, भूत पिशाच से मतलब नहीं है, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसका एग्जाम्पल देके, उसका ध्यान करके, उसके बारे में बता के अल्टीमेटली भगवान का स्मरण करने की ओर प्रेरित करते हैं, भगवान वासुदेव की शरण में जाने के लिए ही प्रेरित करते हैं। अल्टीमेटली उसका सारांश यही है कि महापुरुष के सत्संग से प्राप्ति विरक्ति या
आसक्ति हो, ऐसा तो नहीं होगा, आसक्ति यदि हो तो प्रभु में ही होगी। जो भी विरक्ति प्राप्त होगी वह ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा, भद्रकाली माता के जो खड्ग रूपी ज्ञान था, वह मनुष्य मात्र को इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, भूलोक में अपने मोह बंधन को काटने के लिए, दूर रखने के लिए, उनसे छुटकारा पाने की एक प्रादृष्टि का सहारा मात्र है, एक गाइडेंस है, एक टूल है, एक टैकल है। और श्रीहर की लीलाओं का कथन और श्रवण, भगवत स्मृति बनी रहे, इसके लिए करते रहना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुगमता से और अधिक अच्छा चले, कष्ट दूर हो और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। और इसी क्रम में भटावनी का वर्णन और रहुगण का जो संशय था, डाउट था, उसका भी नाश हो। रहुगण कहते हैं, अरे समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, और अन्य लोकों में, बहुत से लोकों में, बहुत सी जगह प्राप्त होने वाले देवत्व से, देव कृपा से उत्कृष्ट जितने भी जन्मों में क्या क्या लाभ है, वह तो इस पृथ्वी लोक में बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ ऋषिकेश के पवित्र यश का गुणगान भी मिलता है, शुद्ध अंतःकरण से उनका कृपा दृष्टि भी मिलती है, और आप जैसे महात्माओं का आशीर्वाद भी मिलता है। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी क्रम में कि मृग शरीर को छोड़ने की इच्छा होने पर एक आकाशवाणी हुई, जिसमें जोर से यह बात आई कि धर्म की रक्षा करने वाले, अनुष्ठान में निपुण योग्य, सांख्य योग के प्रतिपादय, जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने सांख्य योग बनाया, वो कौन थे? श्रीमान स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज जी थे। और जो प्रकृति के अधीश्वर है, प्रकृति का भी पालन पोषण करने वाले हैं, योग्य मूर्ति हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, प्रणाम है, उनको बारंबार नमन है। फिर सुखदेव जी महाराज आगे कथा बताते हैं कि जिसके दर्शन करने से, दर्शन की तृप्ति होने से, ब्रह्मा जी से लेकर, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकृति को बनाया गया है, ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और जो कुछ भी चीज इस संसार में, इस भूलोक में व्याप्त है, वह सभी उनके दर्शन मात्र करने से सभी तृप्त हो जाते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति हो जाता है, और वह विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए ऐसे जिसकी कृपा दृष्टि से सब कुछ ठीक हो जाए, कष्ट भी दूर हो जाए, समृद्धि भी आ जाए, मार्ग भी मिल जाए, उनकी बराबरी कोई दूसरा कैसे कर सकता है, वो तो मुश्किल। और फिर आगे कहा है सुखदेव जी महाराज के द्वारा, यह जो जम्मू द्वीप है, जब पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जम्मू द्वीपे भरत खंडे, ये भारतवर्ष जो है, अभी तो बताया कि भारतवर्ष इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तो उसी इसका नाम जम्मू द्वीप था। जम्मू द्वीप ईरान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, ये सारा इसी भारतवर्ष का ही पार्ट था, अभिन्न अंग था, धीरे धीरे टूट गया, बदल गया, इसमें डिवीजन हो गया, तो यह जम्मू द्वीप है। इस जम्मू द्वीप में जिसमें हम रहते हैं, यह भूमंडल कमल के कोष के समान, इस जम्मू द्वीप की तरह सात द्वीप है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ यह जम्मू द्वीप है भारतवर्ष, और उसमें सबसे भीतर का कोष, कमल के जो भी सबसे अंदर का सबसे कोष होता है, जो पंखुड़ी होती है, वह भारतवर्ष, ऐसा भारतवर्ष है। और इसका जो विस्तार है, इसका एक्सटेंशन है, तब के लिए बताया गया कि 1,00,000 योजन है, और यह कमल पत्र के समान गोलाकार भी है, यह जम्मू द्वीप ऐसा। फिर गंगा जी के विवरण के बारे में और भगवान शंकर जी की स्तुति गान किया गया, तब उस स्तुति गान से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भगवान शंकर कहते हैं, हे भजनी प्रभु, भगवान शंकर ने कैसे उनको संबोधित किया,
हे भजनी प्रभु, अर्थात जो मेरा भजन आप कर रहे हैं आप भी प्रभु ही हैं। ये भगवान शंकर की बातें, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की बात भगवान शंकर में है। बेलपत्र से धतूरे से भी भगवान शंकर एक जल की बूंद से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने जो उनके भजन कर नित्य करता है, दैनिक करता है, निर्विवाद रूप से करता है, उसके लिए तो वो खुश होने ही, तब वो भगवान शंकर कहते हैं भजनी प्रभु, जो आपका जो भजन करते हैं मनन करते हैं आपके चरण जहां भी पढ़ते हैं, वह दूसरों को भी मेरे भक्तों को भी आश्रय देने वाले ही, और आप स्वयं जब भजन करते हैं मेरा भजन मनन करते हैं तो आपको ऐश्वर्य ना मिले, आपको मेरी कृपा दृष्टि ना मिले ऐसा संभव नहीं है। बिना मांगे ही भगवान शंकर ने अपने भक्तों को पूरा ऐश्वर्य की, पूरे आनंद की, पूरे आशीर्वाद की वर्षा कर दी। और भगवान शंकर अपने भक्तों को, भक्तों से आशीर्वाद लेके, मुझे लगता 3 मिनट का समय रह गया मित्रों, कल को ये कंटिन्यू हमको करना पड़ेगा। समय जो फिक्स किया था 15 कक्षाओं का, या 15 से 18-20 हो सकती है, आपसे अनुरोध है कि इसको कंटिन्यू हम करेंगे। नवरात्रियां भले ही शुरू हो जाएं तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। 5वां अध्याय अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको मैं और ना बढ़ाते हुए आपको एक कम्युनिकेशन बताऊं। मुझे कल पता चला था, ये कथा हम कंटिन्यू करते रहेंगे कल को, कल पता चला था कि कुछ विद्वान मनोज जी से चाहे अप्रोच कर रहे हों, या रीना जी से अप्रोच कर रहे हों, या मुझे भी कुछ मैसेज आए थे, या फोन भी किसी का आया था कि कथा के बात तो ठीक है, कथा के अलावा कुछ उनके विचार और भी हैं, विचार जो बीच में एक आध बार मैंने कहे भी थे, वो कुछ रेमेडियल मेजर भी चाहते हैं, उपाय भी चाहते हैं, सुनना जानना प्रयोग भी करना चाहते हैं, और कुछ जो देवी ज्ञान है जिसके हम पुजारी बनने की कोशिश करते हैं, अर्थात ज्योतिषी ज्ञान, पामिस्ट्री या वास्तु, उसको सीखना सिखाना भी चाहते हैं। तो यह आप चाहें तो मनोज जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कुछ हमारी कक्षाएं नवरात्रियों में शुरू होने वाली हैं, शायद 2 या 3 तारीख को एक कोई डेमो क्लास में उन्होंने रखी है, तो उसमें भी हम बात करेंगे। जो चाहे उसमें कंटिन्यू करना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वर्मा जी से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, और हम तो आपके साथ हैं ही। आज की सुकथा का बात यहीं पर, और कल प्रातः काल फिर 6 बजे मुलाकात होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। वर्मा जी, आपके पास कुछ कहने के लिए है, यदि समय है तो आप ले सकते हैं। कुलविंदर भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत सुंदर कथा प्रवचन, और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में इतना अच्छा ज्ञान आप दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। और मैं सभी अपने मित्रों से ये कहना चाहूंगी कि हमारे ये सारे ज्योतिष में विद्वान मित्र हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम छोटी छोटी डेमो क्लासेस के रूप में आपके सामने और भी इनकी विद्वता का परिचय कराते रहेंगे आपसे, हस्तरेखा के माध्यम से, या वास्तु के टिप्स के माध्यम से, या रेमेडियल माध्यम से। तो आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपने विचार ग्रुप में दे